एमबीके किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप एक ऐसे YouTube चैनल पे पहुंच चुके हैं जहां पर ना सिर्फ टॉप 10 कॉलेज का नाम ही बताया जाता है बल्कि टॉप 10 कॉलेज के बारे में पूरी पूरी जानकारी काफी डिटेल में दी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे इंदौर के टॉप 10 कॉलेज कौन है, जहां से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही जबरदस्त एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही कमाल का जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंदौर के टॉप 10 कॉलेज। तो दोस्तों, इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है IIT इंदौर। इस कॉलेज का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह कॉलेज किसी तारीफ की मोहताज नहीं है क्योंकि यह कॉलेज इंदौर की शान है तथा यह कॉलेज ना सिर्फ इंदौर का और MP का टॉप कॉलेज है बल्कि पूरे भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में भी शामिल है। तो आप इस कॉलेज का महत्व समझ सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2009 ईस्वी में। यह कॉलेज AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BTech, MTech, BTech प्लस MTech, MTech प्लस PhD, MSc, MSc प्लस PhD, MS रिसर्च तथा PhD में बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, जितना कमाल का यह कॉलेज है उससे कहीं अधिक कमाल इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। यहाँ पे लगभग 90-98% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.9 करोड़ रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 25 लाख रुपीज। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को बताता चलूं कि यह हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज 8 करोड़ से भी अधिक है। तो आप इस कॉलेज का वैल्यू समझ सकते हैं। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे आता है IIM इंदौर। इस कॉलेज का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह कॉलेज भी दोस्तों सुपर कॉलेज है तथा मैनेजमेंट के मामले में तो यह कॉलेज ना सिर्फ इंदौर का नंबर 1 कॉलेज है बल्कि पूरे MP का नंबर 1 कॉलेज भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 ईस्वी में। यह कॉलेज UGC द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, जैसा कि यह एक स्पेशल मैनेजमेंट कॉलेज है इसलिए यहां से आप मैनेजमेंट में बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। यहां से आप PGPM, EPGP, IPM, PGP, HRM, FPM, EFPM, EFPMG, PGPMX तथा और भी बहुत सारा मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे लगभग 95-100% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.14 करोड़ रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 24 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे आता है DAVV यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी भी कमाल का यूनिवर्सिटी है तथा प्लेसमेंट के मामले में तो यह यूनिवर्सिटी पूरे MP में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। यह यूनिवर्सिटी UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ BCI और PCI द्वारा भी अप्रूव्ड है। दोस्तों, जैसा कि यह एक यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ से आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, हॉस्पिटलिटी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, कंप्यूटर साइंस एंड IT, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तथा और भी बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं।
इस यूनिवर्सिटी का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड दोस्तों जबरदस्त है। यहाँ पे लगभग 65 से 75% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 1.13 करोड़ रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 9.56 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे आता है SDBC कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है सुशीला देवी बंसल कॉलेज। दोस्तों यह कॉलेज भी बेस्ट कॉलेज है तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए तो यह कॉलेज एकदम सुपर कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 ईस्वी में। यह कॉलेज DAVB यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा RGPV यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से आप BTech, MTech तथा MBA में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों प्लेसमेंट के मामले में भी यह कॉलेज एकदम सुपर्ब कॉलेज है। यहाँ पे लगभग 95% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 57.40 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 6 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 5 नंबर पे आता है SBVB यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी भी एक ग्रेड का यूनिवर्सिटी है तथा इस यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा ही भव्य और आकर्षक है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में। यह यूनिवर्सिटी UGC द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों जैसा कि यह भी एक यूनिवर्सिटी ही है इसलिए यहाँ से भी आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, पैरामेडिकल, ह्यूमैनिटी, लॉ तथा और भी बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 60 से 70% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 47 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 4 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे आता है एक्रोपोलिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। दोस्तों यह कॉलेज ग्रुप भी बेस्ट कॉलेज ग्रुप है तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए तो यह कॉलेज परफेक्ट कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 ईस्वी में। यह कॉलेज DAVB यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा RGPV यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से आप BTech, MTech, MBA, MCA, BBA, BCom, MCom, BSc, BA, MA, LLB, फार्मेसी तथा और भी बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगभग 75 से 85% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 45 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 5.5 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 7 नंबर पे आता है SGSITS कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है श्री गोविंदरम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। दोस्तों यह कॉलेज भी बेस्ट कॉलेज है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। यह कॉलेज UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा DAVB यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, साथ ही साथ RGPV यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BTech, MTech, MBA, MCA, MPharm, BPharm, MSc तथा PhD में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट के मामले में भी यह कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे लगभग 60 से 70% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 44 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 5 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे आता है IPS एकेडमी। यह कॉलेज तो दोस्तों इंदौर का सबसे लोकप्रिय कॉलेज है तथा हर एंगल से यह कॉलेज परफेक्ट कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। यह कॉलेज भी UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा DAVB यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, साथ ही साथ RGPV यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है
और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों वैसे तो यह एक कॉलेज है, लेकिन यह कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज के पास बहुत अधिक कोर्स उपलब्ध है। यहाँ से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, एजुकेशन तथा और भी बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में लगभग 60-70% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 36.50 लाख रुपए, जबकि एवरेज पैकेज है 4 लाख रुपए। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 9 नंबर पे आता है IIST कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों यह एक कॉलेज ग्रुप है तथा यह कॉलेज ग्रुप भी बेस्ट कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 2003 ईस्वी में। यह कॉलेज DAVB यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा RGPB यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है, साथ ही साथ PCI द्वारा भी अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BTEC, MTEC, MBA, BBA, BCOM, BSc, D-Pharm, B-Pharm तथा M-Pharm में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगभग 60-70% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 28 लाख रुपए, जबकि एवरेज पैकेज है 4.23 लाख रुपए। इस कॉलेज के बाद इंदौर के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 10 नंबर पे आता है PIEMR कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। यह कॉलेज भी बेस्ट कॉलेज है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2008 ईस्वी में। यह कॉलेज RGPV यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से आप BTEC और MTEC में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यह कॉलेज स्पेशल इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे भी लगभग 65-75% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 27 लाख रुपए, जबकि एवरेज पैकेज है 5 लाख रुपए। दोस्तों यह है इंदौर के टॉप 10 कॉलेज, जहाँ से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही जबरदस्त एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही कमाल का जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।